हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की जो पर्टिकुलर जॉब अपडेट है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब अपडेट है और बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, आप इसे घर बैठ के कर सकते हैं। दोस्तों, जो पर्टिकुलर जॉब अपडेट है बिल्कुल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक दो तीन वीडियो बनाए जहाँ पे रेगुलरली जो SME यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी यहाँ पे अपडेट होती रहती है। सो यही इसी वैकेंसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे हमारी सैलरी कितनी होने वाली है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, स्किल कौन सी चाहिए और सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और आपके लिए हमारे एक दूसरा एक चैनल बनाया है 1 मिनट टिप्स का, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर आपने वहां पे भी जरूर विजिट किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो पर्टिकुलर जॉब अपडेट है वो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, 100% रिमोट है। जो इस पर्टिकुलर का नाम है वो अपथिंक। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा, एक बहुत ही अच्छा लेजिट प्लेटफॉर्म है, US बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनका जो ऑफिस है वो हमारे पुणे लोकेशन पे अभी स्थित है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो एक स्टार्टअप एजुटेक इंडस्ट्री है, जहां पे मोर देन 300 एम्प्लॉइज अभी काम करे, यानी कि इनकी जो टीम है बहुत ही बड़ी टीम है, 300 से ज्यादा एम्प्लॉय अभी यहाँ पे काम करे, यानी कि बिल्कुल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले, जैसे कि एक SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का रोल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है उनको, उनके जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, यानी कि उनको क्वेश्चन आंसर का काम आपको यहाँ पे, देन इंटरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग विद स्टूडेंट्स रिलेटेड क्यूरीज, मतलब स्टूडेंट्स के जो भी क्यूरीज आते हैं उनको सपोर्ट करना है, देन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके उनकी जो क्यूरीज होती है वो सॉल्व करने में उनकी हेल्प करने, उन्हें सपोर्ट करना है, देन डेवलप कंटेंट, यानी कि जैसे कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, इट इज नथिंग बट द कंटेंट क्रिएशन, यानी कि कंटेंट क्रिएशन का आपको यहाँ पे काम करना है। तो लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है। देन वर्किंग आवर्स, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे वीकली आपको 6 दिन के लिए काम करना होगा, 1 दिन में आपको 6 घंटे यहाँ पे काम करना होगा, यानी कि एक लगभग फुल टाइम अगर हम कहें तो भी कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, फुल टाइम में आपको 8 घंटे करना होता है, यहाँ पे आपको 6 घंटे यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप BSc या फिर MSc और BA और MA तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ MCOM अगर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे MCOM के भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक बार आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अकाउंट मिल जाएगा जो कि MCOM, BCOM या MCOM यहाँ पे नेसेसिटी है। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस है, मैथ्स एंड स्टेट, इतने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगर आप बेसिकली कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नॉलेज है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास नॉलेज है तो यहाँ पे जरूर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे टेस्ट देना कंपल्सरी है। टेस्ट में अगर क्वालिफाई होते हो तो ही आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप फ्रेशर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपके थोड़ा प्रेफर किया जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर फ्रेशर भी है तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए स्किल कौन से चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में, मतलब जो भी आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। देन यूज ऑफ कंप्यूटर एंड डिजिटल टूल्स, यानी कि जैसे कि पेन टैब होता है या फिर कंप्यूटर रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं आपको उनको नॉलेज होना चाहिए, वो अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको सॉल्यूशंस देने हैं, कंटेंट क्रिएट करना है, वो कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। देन अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। देन ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट टू द रिपोर्टेड इश्यूज, जो भी क्यूरीज आती है, जो भी रिपोर्टेड इश्यूज आते हैं उनको आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा और उनको सपोर्ट करके उनको सॉल्व करना पड़ेगा। देन क्रिएट कॉन्टेंट, दैट इज सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशंस वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉन्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आए, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, इस तरीके से आपको कॉन्टेंट यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। देन टीचिंग वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनका जो प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उनको, उसके ऊपर जाके आपको कभी कभी ऑनलाइन टीचिंग भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कुछ स्किल्स आपके पास होनी चाहिए।
अब यहाँ पे अगर बेनिफिट देखेंगे तो आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलने वाले हैं, सैलरी के साथ साथ आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स, लीव अलाउंस मिलने वाला है, यानी कि पर्टिकुलर ईयर में जो भी जितने भी लीव होते हैं आपको वहां पे अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इंसेंटिव भी मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है। तो सबसे पहले मैंने जो लिंक दिया है वहां पे आपके जाके यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद वहां पे अपना सही से ईमेल एड्रेस वहां पे दे देना है, क्योंकि जो भी आप ईमेल एड्रेस वहां पे देने वाले उसके ऊपर आपका एक टेस्ट का लिंक आने वाला है। टेस्ट में आपके दो राउंड रहेंगे, यानी कि एक आपका सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। दोनों मिला के आपका 45 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको फर्दर जो इंटरव्यू राउंड होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू है वो आपका आइदर जूम मीटिंग के थ्रू होगा या फिर टेलीफोन होगा, जो भी हो कंफर्टेबल रहेगा आप उसे दे सकते हो। और अगर इस राउंड में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे, ठीक है। अब सैलरी, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो सब कुछ राउंड क्लियर करके आगे जाते तो आपको पर एनम 2.4 लाख का पैकेज मिलेगा, जो कि लगभग अब कैलकुलेट करें तो 25,000 पर मंथ का आपको यहाँ पे पैकेज मिलेगा। दैट इज इनफ पैकेज, एक अच्छा पैकेज है, इसे हम कोई मतलब खराब पैकेज नहीं कह सकते, बिल्कुल अच्छा पैकेज है फ्रेशर के लिए, ठीक है। सो बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, वहां पे जाकर आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेगी फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।